केदार घाटी में मची तबाही की ये तस्वीरें 11 साल पुरानी हैं। 16 जून 2013 की सुबह केदार घाटी में जबरदस्त बारिश हो रही थी, मगर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि देवभूमि में कितनी बड़ी तबाही मचने वाली है। बारिश वैसे तो 15 जून से ही जारी थी, मगर 16 जून को मौसम बहुत ही खराब हो गया था। बारिश इस कदर हुई कि केदारनाथ मंदिर उत्तर पश्चिम छोर पर मंदाकिनी नदी में उफान आ गया। मंदाकिनी का पानी मंदिर परिसर तक आ पहुंचा। 17 जून को चौराबाड़ी झील के ऊपर बादल फट गया, जिसके बाद चौराबाड़ी झील का पानी तेज बहाव के साथ मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। पानी के तेज बहाव की वजह से लैंडस्लाइड होने लगा। पानी के साथ मलबा बहकर केदारनाथ मंदिर की ओर आने लगा। पानी और मलबा इतना ज्यादा मात्रा में था कि केदारनाथ मंदिर परिसर में 5 फीट तक पानी भर गया। पानी की तेज वेव की वजह से मंदिर के चारों ओर बनी इमारतें ध्वस्त हो गईं। इसे चमत्कारी कहेंगे कि इतनी भीषण आपदा से भी केदार मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर केदारनाथ मंदिर परिसर में लाशों का ढेर लग गया। यात्रा के मुख्य पड़ाव रामबाड़ा का नामो निशान मिट गया। यात्रा मार्ग पर मौजूद हजारों लोगों की जान चली गई। पानी उतरने के बाद चारों तरफ बर्बादी का मंजर था। चारों ओर लाशों के ढेर लगे थे, जो केदार घाटी मनमोहक हुआ करती थी वो अब शमशान बन चुकी थी। न जाने कितनी जिंदगियां इस पानी के सैलाब में बह गईं, कितने ही लोग मलबे में जिंदा दफन हो गए, जिनका 11 साल बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। केदारनाथ धाम भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अब ये भी जानना जरूरी है कि इन 11 सालों में केदार घाटी कितनी बदली। इन 11 सालों में केदारपुरी में जोरों शोरों से काम हुआ है। अब केदारपुरी का नजारा बदला हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण केदारनाथ धाम में दर्शन करने वालों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। ये केदार घाटी की तब की तस्वीरें हैं, जब केदारपुरी मंदिर को छोड़ पूरी तबाह हो गई थी, और ये अब की तस्वीर है। तस्वीरों को देख आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि केदार घाटी कितनी बदल गई है। जो मंदिर परिसर मलबे के साथ बहकर चला गया था, वो आज पहले से भी ज्यादा सुंदर दिख रहा है। जिन रास्तों का नामो निशान मिट गया था, वो आज पहले से कई ज्यादा हो गए हैं। यानी कुल मिलाकर इन 11 सालों में केदार घाटी की तस्वीर पूरी बदल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।